Tonight, we will see some important MCQ on winning and working for first class and second class manager certificate. And all of you subscribe my channel so that I will present you many more videos in coming days. Okay, let's start. Number one, which type of barrier are provided in board and pillar workings? बोर्ड एंड पिलर वर्किंग में किस प्रकार का बैरियर प्रोवाइड करते हैं, लगाते हैं? दो टाइप के होते हैं, लाइट बैरियर और आपका हेवी बैरियर। हेवी बैरियर को सेकेंडरी बैरियर भी बोलते हैं। तो कौन सा लगाते हैं? यहां आपको ऑप्शन दे दिया है, लाइट बैरियर, हेवी बैरियर, लाइट एंड हेवी बैरियर। तीन टाइप के ऑप्शन दिए, लाइट बैरियर लगाते हैं या हेवी बैरियर लगाते हैं या लाइट और हेवी दोनों लगाते हैं। बोर्ड एंड पिलर वर्किंग की बात कर रहे हैं तो बोर्ड एंड पिलर वर्किंग में सिर्फ और सिर्फ हेवी बैरियर ही लगाते हैं। कई बार सब याद रहता है, एग्जाम में हम गलती कर जाते हैं। तो बोर्ड एंड पिलर में कौन सा लगाते हैं? हेवी बैरियर लगाते हैं। कहां लगाते हैं भैया इसको? इसको 135 मीटर टू 365 मीटर फ्रॉम द फार्देस्ट फेस। कहां लगाते हैं? 135 मीटर टू 365 मीटर फ्रॉम द फार्देस्ट फेस। कौन सा बैरियर लगाते हैं बोर्ड एंड पिलर वर्किंग में? हेवी बैरियर और सेकेंडरी बैरियर। ओके, हम और इनको सबको एक्सप्लेन करेंगे। पहले पांच हो जाने दीजिए, उसके बाद और हर एक को चार चार पांच पांच सेंटेंस में एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट यू कैन गेट 15 एक्स्ट्रा एमसीक्यू। व्हिच टाइप ऑफ बैरियर आर प्रोवाइडेड इन लॉन्ग वॉल वर्किंग? लॉन्ग वॉल वर्किंग में किस टाइप का बैरियर प्रोवाइड करते हैं, उसका टाइप्स बताना है। ठीक है, आपको फिर ऑप्शन दे दिया, लाइट बैरियर, हेवी बैरियर, लाइट एंड हेवी बैरियर, तीन ऑप्शन दिया है। तो लॉन्ग वॉल वर्किंग में लाइट एंड हेवी बोथ टाइप ऑफ बैरियर आर प्रोवाइडेड। लाइट बैरियर और हेवी बैरियर दोनों टाइप के बैरियर प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग वॉल वर्किंग में। आपको पता है हम स्टोन डस्ट बैरियर का बहुत बढ़िया एक वीडियो भेजे हैं आज से एक दो महीना पहले, जब हम चैनल स्टार्ट किए थे बताए होंगे कि ये लाइट बैरियर किसकी बात कर रहा है। लाइट बैरियर ये लॉन्ग वॉल फेस के 45 से 110 मीटर 45 टू 110 मीटर के अंदर में हम क्या रखते हैं, लाइट बैरियर। और हेवी बैरियर जो है ये गेट रोडवेज में लॉन्ग वॉल फेस से 180 टू 320 मीटर 180 से 320 मीटर के डिस्टेंस पर हम हेवी बैरियर या सेकेंडरी बैरियर कहां बनाते हैं? गेट रोडवेज में। ठीक है, कोल बम्स इन ए डीप माइंस में अक्कर वेन, और आपको चार पांच को ऑप्शन दे देगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, कोल बम्स इन ए माइन इन ए डीप माइंस में अक्कर वेन, और आपको दो चार पांच को ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले बम्स क्या है, बम्स का भी हम वीडियो भेजे कोल बम्स का, और यही चीज को सेम चीज को रॉक ब्रस्ट बोलते हैं मेटल माइनिंग में। ठीक है, हम बताए थे कि ये मेरा पिलर है, क्या ये पिलर है, इस पिलर के ऊपर कांस्टेंट लोड लगता है जिसको क्रिप बताए थे हम कभी। ठीक है, इसके ऊपर लोड लग रहा है मतलब पिलर स्ट्रेस्ड है बट नॉट हाईली स्ट्रेस्ड, यही चीज में कंफ्यूजन हो जाता है, स्ट्रेस्ड और हाईली स्ट्रेस्ड। ये पिलर के ऊपर ओवरलाइंग स्ट्रक्चर का रॉक का लोड आ रहा है, वेट आ रहा है, तो ये पिलर स्ट्रेच स्टेट में है। बट इसके ऊपर जो स्ट्रेस लग रहा है वो पिलर के स्ट्रेंथ, हम पिलर का स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करना कर बताएंगे, पिलर का स्ट्रेंथ जो है उस
लोड को क्या कर पा रहा है, सह पा रहा है, विदस्टैंड कर सक रहा है, जिसके चलते पिलर में कोई स्पेलिंग नहीं हो रहा, मतलब पिलर से कोयला टूट टूट के बाहर नहीं निकल रहा है, पिलर में कोई क्रैक्स डेवलप नहीं हो रहा है, मतलब हल्का फुल्का उसके विदिन पिलर में हल्का फुल्का क्रिप हो रहा होगा, स्लो डिफॉर्मेशन हो रहा होगा, बट विजिबल कोई यहां पर आपको डिफॉर्मेशन नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम डिप्लेनिंग विद केविंग करते हैं और यदि गोप का रूप टंगा रह जाता है, ओवरहैंग रह जाता है, तो वो जो ओवरहैंग गोप है उसका रूप का वेट अब जो है ये स्टैंडिंग पिलर के ऊपर जिसका भी डिप्लेनिंग करना बाकी है उस पिलर के ऊपर क्या हो जाएगा, लग जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा, पिलर क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। तो ओवरराइड हो जाने से अब क्या हो जाएगा, ये पिलर ओवर स्ट्रेस्ड हो जाएगा, और जब ओवर स्ट्रेस्ड हो जाएगा भैया तो क्या होगा, अरे मेरे मुंडी पे उतने ही ना वजन संभालूंगा जितना मैं भगवान ने मुझे ताकत दिया है, उससे ज्यादा रहेगा तो बैठने लग जाऊंगा, तो पिलर में अब डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो डिफॉर्मेशन किस फॉर्म में होगा, इस पिलर में क्या है, कोयला है, कोयला टूट टूट के बाहर गिरने लग जाएगा और टेरिफिक स्पीड से, बहुत तेज स्पीड से गिरेगा, बाहर निकल के फेंकाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो अभी हम एयर ब्लास्ट आपको क्या बोलते हैं कोल बम्प नहीं बता रहे हैं, हम तो आपको ये बम्प क्यों होता वो होता है, मैकेनिज्म क्या हुआ, ये कि ये स्ट्रेस्ड हो गया, हाईली स्ट्रेस्ड हुआ, मतलब क्या हुआ, इसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी धीरे 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 जमा हुआ, कंसंट्रेट हुआ, कंसंट्रेट वर्ड आएगा आपको या स्टोर्ड वर्ड आएगा, एक ही बात है, हाई कंसंट्रेट हो गया, यहाँ पे हाई स्ट्रेन एनर्जी क्या हो गया, कंसंट्रेट हो गया, और कंसंट्रेट हो जाने से बम्प होगा, ठीक है। तो बम्प होता क्या है, सडन एंड वायोलेंट एक्सपल्सन ऑफ कोल फ्रॉम पिलर्स ड्यू टू, काहे के कारण, ड्यू टू रिलीज ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कोल पिलर, क्लियर हुआ। तो अब आपको यहां दिया रहेगा ऑप्शन, तो आपको क्या लिखना होगा, मान लो आपको सेलेक्ट करना होगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इन कोल पिलर, ये लिख सकते, ये ऑप्शन हो सकता है, या और दूसरे लैंग्वेज में क्या लिखेगा वो, ड्यू टू स्टोर्ड इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। इतना बहुत कोल बम कैसे हुआ ये आप बता सकते हैं, कहने का मतलब हिंदी में जो बच्चा लोग समझ, स्ट्रेन एनर्जी के जमा हो जाने से पिलर के अंदर, पिलर पर जो हम बता रहे कि वो लोड आके चढ़ जाता है, ओवरराइड हो जाता है, जो ओवरहैंग गोप का जो रोप रूप का जो वेट है वो आ जाएगा, तो पिलर के अंदर स्ट्रेन पैदा हो जाएगा, और वो जो जमा हुआ स्ट्रेन है जब वो बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो पिलर में क्या है, कोयला, तो उसको लेकर के बाहर निकलेगा, वही बात है, इतना ही है, ठीक। कोल बम्स अपकर वेन डेप्थ इज, हम कॉजेज बताए थे कि रूप में मैसिव सैंड स्टोन है, थिकनेस बहुत ज्यादा है, ऐसा बहुत सारी चीज बम्स के वीडियो में बताया, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो कोल बम्स अपकर वेन डेप्थ इज, अब यहां पर चार ऑप्शन दे दिए आपको, पांच ऑप्शन दे दिए, जो भी दे सकता हो, 150 feet आर मोर, 300 feet आर मोर, 150 meter आर मोर, ये तो दोनों एक के जैसा दे दिया, सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है, यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे 150 feet और उससे अधिक लिखा है, यहाँ 150 meter और उससे अधिक लिखा है, और एक बीच में दे दिया 300 feet आर मोर, तो सही आंसर क्या है, 150 meter या उससे अधिक गहराई पर, 150 meter आर मोर डेप्थ पर आप काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं कोल सीम में, वहां पर पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वहां बम्प होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। काहे बम्प हो जाएगा भैया, मान लो वायरिंग में मेरा गोपे में रूप नहीं टंगा है, हम इंड्यूस्ड केविंग करके गोप को रेगुलर इंटरवल पे गिरा रहे,
तो होगा क्या? तो भी हो जाएगा। वो एक काज है, वो वन ऑफ द काज, वो एक काज है, और भी ढेर सारे काज हम बताए होंगे बम के लिए। तो यदि आपका डेप्थ अधिक है, आपका क्या डेप्थ अधिक है, तो हम आपको प्रेशर आर्क थियरी में बताए थे कि जो वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्स लगता है वो प्रोपोर्शनल टू डेप्थ होता है। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तो कंप्रेसिव फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा, और उसका रेट बताए थे 0.2306 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर डेप्थ, एक मीटर डेप्थ में इतना बढ़ेगा। ठीक है, तो उतना बढ़ते चलेगा, तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते चलेगा तो आपका लोड भी बढ़ने लग जाएगा। तो लोड बढ़ेगा तो पिलर क्या होता चल जाएगा, धीरे धीरे स्ट्रेन एनर्जी डेवलप करता चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, 150 मीटर, फीट नहीं भैया, मीटर, मतलब इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते 500 फीट आर मोर। अरे एक मीटर में 3.3 फीट ना होता है जी, तो 3.3 × 150 करना 15 × 45 450 हो गया, 0.3 वाले लेंगे तो 500 आ जाएगा। ठीक है, प्रेशर आर्क थियरी, प्रेशर आर्क थियरी डील्स विद, प्रेशर आर्क थियरी, प्रेशर आर्क थियरी डील्स विद मतलब प्रेशर आर्क थियरी किस चीज के बारे में हमको पढ़ाता है, बताता है, समझाता है, यही मतलब है इसका, प्रेशर आर्क थियरी डील्स विद। हम प्रेशर आर्क थियरी और हम आपको बता दे रहे हैं प्रेशर आर्क थियरी और एलिमेंट्स ऑफ बेंच पैरामीटर को, जब आप लोग के लिए वीडियो बना रहा था, प्यास लग गया था, गला सूख गया था, बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा था, उसके बावजूद भी पूरा पसीना आ रहा था, कोई मेरा यदि बेंच पैरामीटर वाला वीडियो को देखे होंगे तो देखेगा पूरा चेहरा पसीना गिर रहा था, लेकिन हम रुके नहीं, हम उसको पूरा कंप्लीट किए, क्योंकि रुक जाने के बाद लाइट टूट जाता है। तो ये दो बहुत हम मेहनत के साथ बनाए हैं, प्रेशर आर्क थियरी, और उसको समझाने के लिए 2-3 और छोटा छोटा पहले वीडियो भेजे थे हम। तो प्रेशर आर्क थियरी और बेंच पैरामीटर एक बार जाके देखिएगा, दोनों में से दो दो क्वेश्चन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में आएगा, पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, दोनों को, दोनों में से दो दो क्वेश्चन आएगा। तो इस प्रेशर आर्क थियरी में हम बताए थे, मान लो पृथ्वी के अंदर, हम पृथ्वी के अंदर की बात कर रहे हैं, विद इन द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी के अंदर ये मेरा कोई रॉक मास है, हम इतना भर ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, ये जो मेरा डस्टर है इतना ही बड़ा रॉक मास ले रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी तो बहुत बड़ा पृथ्वी है, बहुत सारा उसमें रॉक्स है, चट्टान है, पत्थर है, इसमें से हम इतना बड़ा लिया, तो इस पत्थर के ऊपर ऊपर से भी लोड लग रहा है जिसको हम वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्स बोल रहे हैं, साइड से लग रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, P2 बोलते थे वहां पे, जो लेटरल है, लेटरल मतलब साइड से जो लगता है, लेटरल प्रेशर है, P2 हुआ, ये P1 हुआ, जो ऊपर से लग रहा है, साइड से लग रहा है उसको लेटरल, दो टाइप के फोर्सेस है, और दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में है। और जब इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो उनमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, इस रॉक मास में कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई हलचल नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा, इसको बोलते हैं प्री माइनिंग स्टेट, मतलब माइनिंग करने के पहले का, या प्री एक्सकावेशन स्टेट बोलते हैं। हम एक्सकावेट किया मतलब क्या, गैलरी बना दी, रास्ता बना दिया, ओपनिंग बना दिया, लेकिन जब हम ने इस रॉक मास में, हम अब कोल सिम की बात है, कोयला में हम बनाते हैं या अंडरग्राउंड है तो वहां तो रॉक रहता है, और बॉडी भी एक प्रकार से क्या है, कंट्री रॉक में लोड या वैन रहता है, तो ये कोल सिम है मान लो मेरा। ठीक है, इसके ऊपर ढेर सारा क्या है, ओवरलाइन रॉक से, इसके ऊपर ढेर सारा लेयर्स ऑफ रॉक है, ओवरलाइन रॉक से, इस कोल सिम में मैंने क्या बनाया, रास्ता बना दिया, क्या बना दिया, रास्ता बना दिया, गैलरी बना दिया, तो जब गैलरी बना दूंगा मतलब ओपनिंग कर दिया, जब ओपनिंग कर दिया तो ये तो इस इक्विलिब्रियम स्टेट में था, अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, गैलरी बना दिया। यदि पूरे पर्सपेक्टिव में ले तो गैलरी कितना चढ़ा होता है, ज्यादा ज्यादा 4.5 मीटर 4.8 मीटर मैक्सिमम, और हाइट 3 मीटर, उतना बड़ा हमने क्या किया, एक रास्ता बना दिया। अब वो जो रास्ता बना दिया, ओपनिंग बना दिया,
यही में गड़बड़ाया जाता है। ओपनिंग बोल दिया तो बोले क्या बोल रहे, अरे ओपनिंग बोलो, रास्ता बोलो, गैलरी बोलो, रोड बोलो, एक की बात है। एक्स या कई बार लिखा रहे कि भाई एक्सकावेशन इज मेड, अरे एक्सकावेशन मतलब क्या हो, हम कोई चीज का एक्सकावेशन करते हैं अंडरग्राउंड में, बॉर्डर पिलर में, गैलरी रास्ता बनाते, गेट रोडवेज भी लंगवाल में क्या है, रास्ता में है, तो हमने रास्ता बना दिया। अब जब रास्ता बना दिया तो जो गैलरी है उसका जो रूप रहेगा, साइड रहेगा, अब इनके ऊपर नए टाइप के प्रेशर डेवलप हो जाते हैं। हम पूरा प्रेशर थ्योरी नहीं बताएंगे आपको, सिर्फ समझाने की बात है। तो नए टाइप के फोर्सेस काम करने जाएंगे। ये को जो रूप रहेगा, मान लो ये मेरा कोल, यहां सन तो गैलरी बना लिया, ये खाली जगह हो गया, और ये क्या है, रूप का लोअर लेयर है। इस लोअर लेयर लेयर में टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा, काहे के चलते टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब ये क्या स्ट्रेस पैदा हो गया, नया टाइप का फोर्स आ गया। और ये जो रूप है कोलसिंग के ऊपर का जो रूप है, जिसको हम इमीडिएट रूप बोलते हैं, उसका हम बताए थे वहां पे कि 6 मीटर तक का कोलसिंग के ऊपर का 6 मीटर का जो रॉक होगा, उसी को मैक्सिमम 6 मीटर तक का ही रॉक को हम इमीडिएट रूप बोलते हैं, और हम उसी का सपोर्ट करते हैं। हम 150 मीटर या 50 मीटर गहराई पे काम कर रहे तो पूरे काम सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ऊपर में आपका बेड से प्रेशर नहीं होता, बेड से प्रेशर होता है इमीडिएट रूप में। तो इस इमीडिएट रूप है आपका, इसके वेट से क्या होगा, ये जो इमीडिएट रूप का लोअर ले जो रूप है वो क्या होगा, सेग होने लग जाएगा, अपने ही वेट से सेग होने लग जाएगा, और जो इमीडिएट रूप के लेयर्स है वो लेयर्स एक दूसरे से अलग होने लग जाएंगे। वही जो फिनोमिना है उसको बोलते हैं बेड सेपरेशन होता है। तो सपोर्ट करते क्यों, बेड सेपरेशन को रोकने के लिए सपोर्ट करते। कोई से पूछो ना सपोर्ट काहे करते तो बोले सेफ्टी के लिए। अरे सेफ्टी के तो करते भैया, टेक्निकल चीज क्या है, बेड सेपरेशन को रोकने के लिए। बेड सेपरेशन रोक देंगे तो सेगिंग रुक जाएगा, और सेगिंग रुक गया तो रूपार नहीं होगा, हुआ ना, ठीक। तो यहां कितने आपको बता दी, एक बेंडिंग स्ट्रेस, अपने ही वेट से जो इमीडिएट रूप से होने लगता है, झुकने लगता है उस, और बेड सेपरेट होने लगता है, वो वहां पे जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है उसको बोलते हैं क्या बोले, बेंडिंग स्ट्रेस। और इसके लोअर लेयर लेयर में टेंसाइल स्ट्रेस, और जो साइड से प्रेशर लग रहा है आपका लेटरल प्रेशर, ने रास्ता बना दिया तो अब वो खाली जगह हो गया, तो साइड वाला प्रेशर क्या करेगा, उस रास्ता में कोल मास को ठेलने की कोशिश करेगा, पुश करेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, तो जो पिलर का साइड होगा उस साइड पे शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा, उसके चलते क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, शियर स्ट्रेस। और जो डायरेक्ट आपका वर्टिकल कॉम्प्रेसिव फोर्स आ रहा था वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, अपने प्रेशर थ्योरी मेरा देखेंगे तो कोल पिलर के ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाता सीधा ना आके, क्या होगा सीधा कैसे आएगा भैया, आपने गैलरी ने बना दिया, कोई भी चीज को जाने के लिए रास्ता ना चाहिए, तो जो फोर्स लग रहा था वहां से तो आपने खाली कर दिया, तो वो क्या हो गया, इधर चले गए, इधर चले गया, ठीक है। अब वो पिलर के पर जाकर के जमा हो गया, कंसंट्रेट हो गया, इसी को बोलते हैं एबिटमेंट प्रेशर, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि प्रेशर किस चीज को बताता है, डील्स विद द रीडिस्ट्रीब्यूशन आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस अराउंड ये माइन ओपनिंग, माइन ओपनिंग मतलब गैलरी, रास्ता, रोड, उस जो गैलरी या रास्ता या रोड हमने बनाया है उसके अराउंड में चारों तरफ ऊपर नीचे अगले बगले जो प्रेशर या स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है उसको बताता है प्रेशर आर्क थियरी। क्या बोला भैया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस अराउंड ए माइन ओपनिंग डील्स विद द प्रेशर आर्क थियरी, ठीक है। कोई दिक्कत है, इनको समझाया। साथ में हम एक दो चीज इसमें भी बता देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए बाबू, हम क्या बताएं कि हेवी बैरियर जो है 135 मीटर 365 मीटर में रहता है, और
आपका लाइट बैरियर जो है वो लंगवाल में यूज होता है और वो जो है लंगवाल पेस से 45 to 110 meters के डिस्टेंस में रहता है। और दूसरी बात, एक हेवी बैरियर भी वहां रहता है जो 180 to 320 meters में रहता है। लेकिन ये जो आपका लाइट बैरियर है, एलबी लिख दू, एलबी मतलब लाइट बैरियर, और एचबी लिख दे रहा हूं हेवी बैरियर, इस लाइट बैरियर पर डस्ट लोडिंग कितना रहता है? 110 kg per meter square, ठीक है। और हेवी बैरियर में रहेगा 390 kg per meter square। इसका मतलब क्या हुआ? एक स्क्वायर मीटर मतलब रोड के क्रॉस सेक्शनल एरिया के आधार पर बोल रहा हूं कि रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 meter square है, तो हेवी बैरियर में 390 kg हम डस्ट लोड करेंगे, लाइट बैरियर है तो 110 kg per meter square करेंगे, ठीक है। और 1 meter लंबा आपका सेल्फ है, ये सेल्फ है आपका, इस सेल्फ का 1 meter लंबाई लिया मैंने, कितना लिया? 1 meter लंबाई, मान लो आपका 3 meter तो उसके हिसाब से निकलेगा। तो यदि लाइट बैरियर है तो इस लाइट बैरियर में 30 kg per meter लेंथ पर, 1 meter लंबाई पर 30 kg डस्ट लोड करेंगे। हेवी बैरियर में, हेवी बैरियर में दो टाइप के सेल्फ होते हैं, एक होता है लाइट सेल्फ और एक होता है हेवी सेल्फ। तो लाइट सेल्फ में, इसमें दो टाइप के सेल्फ होते हैं, ख्याल रखिएगा, SHELF, और इसमें सिर्फ लाइट ही सेल्फ होगा। लाइट सेल्फ रहेगा, इसमें रहेगा 30 kg per meter, क्योंकि देखिए लाइट सेल्फ, इसके लाइट बैरियर में सिर्फ लाइट सेल्फ होते हैं, लेकिन हेवी बैरियर में 1/3 लाइट सेल्फ रहेंगे, 1/3 लाइट सेल्फ रहेंगे और 2/3 जो है वो हेवी सेल्फ होंगे, हेवी सेल्फ, यहाँ पे प्लूरल कर लीजिएगा ऐसा वाला। और ये कितना रहेगा? 60 kg per meter। जो हेवी सेल्स होंगे उनके 1 meter लंबाई पर 60 kg हम डस्ट लोड करते हैं, लाद देते हैं। और कुछ इसमें से चीजें हमको कभी जरूरत लगेगा तो बताएंगे, ठीक है।